करूंगा कि कृपया अपना सवाल रखें। नमस्कार सर, इस कोरोना संकट में जो सबसे ज्यादा चिंतित हो रहे हैं इस समय वो बेरोजगार युवा हैं जो सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारी सरकारी भर्तियां जो आपने घोषित की थी वो अटकी हुई हैं। तो स्थिति में हम क्या कोई इनको भरोसा देने की स्थिति में है कि कब तक इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा या समय पर हो जाएंगी भर्तियाँ, उसको लेकर क्या? देखिए, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, RPSC को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सबको कहा गया है ये सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से जो भर्ती निकाली जा चुकी है उन पे तमाम कार्रवाई इस प्रकार से हो जिससे कि लॉकआउट खत्म होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ सके और नौकरियां टाइम पे लग सके। फिर भी मेरा मानना है थोड़ा बहुत विलंब संभव है। हम चाहेंगे कि वो विलंब समाप्त कैसे हो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद मनीष गोदा जी। मैं समाचार जगत से वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, और अभी जिस तरह से कोरोना में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग समाप्त की है, क्या आप ये कदम उठाना चाहेंगे? और एक बहुत बड़ी राहत होगी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारे सामने बेरोजगारी और राशन की बड़ी जबरदस्त किल्लत रहेगी। सरकार का ऐसा कोई प्लान है जिससे निपटने के लिए किस